21 अप्रैल को Realme करने वाला है भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च, जिसका नाम है नार्सो। क्या ये मूव एक बोल्ड मूव है, इनसेंसिटिव मूव है, या फिर एक वेलकम मूव है? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और यूजली ऐसे टॉपिक्स हम उठाते हैं अपने डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में, जब हम डिफरेंट कंपनियों के सीईओ से बात करते हैं और डायरेक्ट सवाल पूछते हैं कि भैया इनके आंसर चाहिए। लेकिन आज की जैसे प्रिवेलेंट कंडीशंस हैं, इसमें हम डायरेक्ट दिल से का इंटरव्यू फेस टू फेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से हम रुक नहीं रहे। हमने क्या किया है, तो हमने कंपनी को क्वेश्चन भेज दिया, यानी कि Realme को क्वेश्चन भेजा है इन्हीं जो प्रश्न हमने स्टार्ट में उठाए थे उनसे रिलेटेड, और उनके जवाब आ गए हैं हमारे पास। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं हमने क्या सवाल पूछे और Realme के क्या जवाब आए। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि 21 तारीख को Realme अपना नया स्मार्टफोन सीरीज करने वाला है लॉन्च नार्सो। और लेकिन इससे काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि इस समय जब भारत में लॉकडाउन की स्थिति है, बहुत सारे लोग इस टाइम पे बेसिक चीजों के लिए जूझ रहे हैं, क्या ये मूव Realme की तरफ से अच्छी है, बुरी है, या फिर चलेगी? लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमने Realme से पूछा था कि इस समय जब लॉकडाउन की स्थिति है, इस समय कोई फोन लॉन्च करना सेंस बनता है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब Realme की तरफ से जो हमारे पास आया, उन्होंने कहा है कि इस समय जब लॉकडाउन की स्थिति है, तो एक जो मोबाइल है वो एक ऐसा माध्यम बन के आया है जिसने एसेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की है, साथ साथ फिनटेक सर्विसेज, ई कॉमर्स सर्विसेज, एग्रीटेक, इन सब में अपना योगदान दिया है ताकि लोग कनेक्टेड रहें और उन तक सर्विसेज पहुंचे। और उनको ये लगता है कि इन सब चीजों की वजह से मोबाइल एक एसेंशियल प्रोडक्ट है मार्केट में, और एक नया स्मार्टफोन सीरीज अगर वो लॉन्च करते हैं इस समय पे, तो कस्टमर्स को ऑप्शंस मिलते हैं और नए स्मार्टफोन लेने के अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट है और लॉन्च होना चाहिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमने Realme से पूछा कि इस समय जब बहुत सारे लोग भारत में बेसिक सर्विसेज पाने के लिए जूझ रहे हैं, एक स्मार्टफोन आप लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए तो वो इस टाइम लग्जरी सर्विस होगी, आपको क्या लगता है? इस प्रश्न के जवाब में Realme ने कहा कि भारत वर्ष में चाहे स्टूडेंट्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो, या फिर जो भी लोग एसेंशियल सर्विस में थे, उन सब ने ये माना है कि एक मोबाइल जो था इस टाइम पे हीरो बन के निकला है कम्युनिकेशन के लिए, और उसकी वजह से क्योंकि लोग फोन के जरिए कनेक्टेड रह सकते थे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बहुत सारी इंक्वायरीज आई हैं अपने फैंस के लिए जो कि नार्सो लॉन्च से काफी एक्साइटेड थे, और क्योंकि एक बार ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है, तो इस टाइम जो उनकी विश थी उसको पूरी करने के लिए हम लोग अपना नया नार्सो सीरीज भारत में लॉन्च कर रहे हैं। सिंस 18% GST बढ़ गया है फोन में, तो उनको लगता है कि डिमांड कम होगी, और उसके अलावा जैसी लॉकडाउन हटेगा तो लोग शायद मोबाइल नहीं लेंगे, पहले वो लोग एसेंशियल सर्विसेज के लिए जाएंगे और वो खरीदेंगे। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स, यानी कि जीएसटी और लोग जाते ही एसेंशियल बाकी सामान लेने के जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो खरीदेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी एक तबका होगा, एक सेट ऑफ ऑडियंस होगी जो इस टाइम पे स्मार्टफोन खरीदने के इच्छुक होंगे या टेक प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेंगे। मे बी उनका जो एग्जिस्टिंग है वो खराब हो गया होगा, या फिर उन्हें नया लेने की सोच ही रहे थे तो उनके एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से शायद वो फिर भी फोन ले, डिमांड कम होगी लेकिन कुछ लेने वाले अभी भी होंगे। फिर अगला प्रश्न हमने उनसे पूछा कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति और बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, तो आप फोन कहाँ बनवाएंगे और लोगों को जो कंज्यूमर्स की डिमांड होगी कैसे पहुंचाएंगे? तो उसका जवाब हमने ये दिया कि नार्सो एक ऑलरेडी प्लान्ड स्मार्टफोन था और ये इसकी प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग लॉकडाउन होने से पहले स्टार्ट हो चुकी थी, तो इस समय उनके पास सफिशियंट स्टॉक्स हैं जितनी भी डिमांड होगी उसको पूरी करने के लिए, क्योंकि पहले से फोन बनकर तैयार हो चुके थे, उनके पास शिपमेंट्स भी रखी हुई है, और जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से वो लोग फोन मार्केट में उतारना स्टार्ट करेंगे।
फिर अगला और आखिरी क्वेश्चन हमने उनसे पूछा कि हमें मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कह चुके हैं वो लोग 20 के बाद से सर्विसेज चालू कर सकते हैं, डिलीवरी चालू कर सकते हैं, और आप उस जैसे ही सर्विस ऑन हो रही है आप अपने फोन बेचने की तैयारी कर रहे हैं उनका नेटवर्क यूज करके, क्या आप इस मूव को ब्रेव मूव कहेंगे अपनी तरफ से या फिर इनसेंसिटिव? इसके जवाब में रियलमी ने कहा कि भारत एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और बहुत सारे काम ठप पड़े हुए हैं, लेकिन और साथ ही साथ उन्हें यह भी कहा कि उन्हें अपने फाइनेंशियल्स और साथ ही साथ अपनी एम्प्लॉयज की भी चिंता है, और ये जो मूव है ये एक बोल्ड मूव वो कहेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये फोन लॉन्च कर रहे हैं वो इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं और साथ ही साथ एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू दे रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स के लिए भी, तो उनके हिसाब से ये एक बोल्ड मूव है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे सवालों का सिलसिला तो खत्म हो गया, प्रश्न के आंसर भी आपने सुन लिए जो रियलमी ने दिए हैं, लेकिन अब होता है आपका काम शुरू, आपको बताना है कि आपको क्या लगता है जवाब सुनने के बाद, रियलमी जो कदम ले रहा है बोल्ड है, इनसेंसिटिव है या फिर है एक वेलकम मूव? आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन के जरिए कि आपको क्या लगता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर यह वीडियो हो गया, समाप्त करने का टाइम आ गया है, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।